बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो के ऊपर क्लिक करने के लिए। आज 24 जनवरी की ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट आपके लिए लेके आ चुका हूं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रिसीजन मेटालिक्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में, एल्कोसाइन लिमिटेड आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में, साथ ही साथ डीजे मीडिया प्रिंट होगा, अडानी विल्मार आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, एक लोट पे प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, कितने के ऊपर एक्सपेक्टेड हो सकती है, जीएमपी के अंदर फॉल क्यों आ रहा है, और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स अडानी विल्मार आईपीओ से रिलेटेड जानने वाले हैं। एजीएस ट्रांजेक्ट आईपीओ की जो लास्ट डेट थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और उसके बाद में ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना गिरावट आ रहा है और आपको कितनी गिरावट और देखने को मिल सकती है, क्या यहां पर असर हो सकता है, कब इसकी लिस्टिंग होने वाली है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम जानने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेहतरीन वीडियोस की आपको इंस्टेंटली मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और उसी मोटिवेशन के सहारे मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन तगड़ी से तगड़ी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिसीजन मेटालिक्स आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये जो आईपीओ है आज 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, मतलब आज शाम को 5 बजे के बाद इस आईपीओ के अंदर कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगेगी। अगर आपने प्रिसीजन मेटालिक्स से रिलेटेड मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आपसे एक दोबारा रिक्वेस्ट है, उसको जाकर चेकआउट कीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा ये आईपीओ रहने वाला है। अगर हम इसे सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो दोस्तों एचएनआई कैटेगरी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस आईपीओ के अंदर। जी हां दोस्तों, अगर हम एल्कोसाइन आईपीओ की बात करें उसके अंदर एचएनआईज ने काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन दिखाया था, बावजूद इसके कि एल्कोसाइन आईपीओ की जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो इतनी बेहतरीन नहीं है, उन्होंने एचएनआईज ने काफी अच्छा उसके अंदर ताबड़तोड़ सब्सक्रिप्शन दिखाई थी। बट यहां पर दोस्तों देख सकते हो रिटेल में 6.85 है और यहां पर आगे रुक चुकी है काफी दिनों से। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि प्रिसीजन मेटालिक्स आईपीओ है, इसके जो जीएमपी है वो भी कुछ नहीं चल रही है और साथ ही साथ यहां पर इसकी जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो भी यहां पर आगे रुक चुका है 6.85 के ऊपर। यहां पर एचएनआई कैटेगरी भी अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही बेकार बात है किसी आईपीओ के लिए अगर उसकी कैटेगरी जो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं होती है। अगर टोटली देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों टोटली तो ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, बट एचएनआई के अंदर जो कैटेगरी रखी गई थी वो फुली सब्सक्राइब होनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं भी अगर हम देखें तो एल्कोसाइन जो आईपीओ है उसकी दोस्तों सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो लास्ट डेट की थी वो इसके मुताबिक काफी बेहतरीन थी, बट अभी भी दोस्तों देख सकते हो यहां पर अभी टाइम बाकी है, 10:28 में वीडियो बना रहा हूं आपके लिए और अगर हमको टाइम बचता है मतलब यानी कि 5 बजे तक हमारे पास काफी टाइम है तो हो सकता है कि इसके अंदर भी अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों इसकी जो फाइनेंशियल्स है वो एल्कोसाइन से काफी ज्यादा बढ़िया थी। तो मुझे पर्सनली फीलिंग आ रही थी कि प्रिसीजन मेटालिक्स जो आईपीओ है वो ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है, बट यहां पर तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप अपना ओपिनियन इस आईपीओ से रिलेटेड जरूर कमेंट करके बताएं, डिस्कशन करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, देखते हैं कि आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हो। नेक्स्ट जो आईपीओ हमारी लिस्ट के अंदर आता है दोस्तों वो आता है एल्कोसाइन आईपीओ। दोस्तों इसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस मैंने ऑलरेडी बता दी है लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मैं बता देना चाहता हूं। एल्कोसाइन आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से पहले मैंने प्रिसीजन मेटालिक्स आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम का छोटा सा डिस्कशन किया है आपके साथ, जिसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी जीएमपी में अपडेट नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि 0 जीएमपी चल रही है, 0 सब्जेक्ट टू रेट चल रहे हैं प्रिसीजन मेटालिक्स में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्कोसाइन की तो एल्कोसाइन के अंदर भी यहां पर बिल्कुल नो ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम में, कोई भी यहां पर जीएमपी नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल 0 चल रही है। दोस्तों ये बैड साइन नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी काफी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि एसएमई आईपीओ से अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम ना दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लोग इसके अंदर जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव में ओपन हुआ है, एक छोटी सी करेक्शन यहां पर देखने को मिल रही है, तो उसी कारण जो लोग हैं वो अडानी विलमार्क से रिलेटेड एक्युमुलेशन कर रहे हैं वेल्थ का, अडानी विलमार जो आने वाला है, साथ ही साथ काफी लोगों ने एजीएस के अंदर भी अप्लाई कर दिया है तो लोग इन आईपीओ से जो है थोड़ा सा यहाँ पर बच रहे हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पर एफपीओ है डीजे मीडिया प्रिंट का, तो उसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आपके साथ, लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में प्रीमियम क्या चल रहा है तो यहां पर बिल्कुल कोई भी प्रीमियम नहीं चल रहा है। बट दोस्तों डीजे मीडिया प्रिंट की मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको, 255 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है और यहां पर आपको 125 रुपए के ऊपर ये जो शेयर है वो अलॉट होने वाला है, तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में गैप है वो काफी ह्यूज है और अगर ये काफी कम हो भी जाता तो भी यहां पर जिस व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगी वो प्रॉफिट में ही रहने वाला है। बस दिक्कत यहां पर सबसे बड़ी ये कि एक एसएमई है और एसएमई के अंदर जो सेलिंग होती है और जो बाइंग होती है वो कंप्लीट और कंप्लीट आपके लॉट्स के अंदर होती है, जो कि यहां पर इन्वेस्टर्स को बाइंग और सेलिंग अंदर लिक्विडिटी को डिक्रीज कर देता है, अच्छी खासी लिक्विडिटी नहीं हो पाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आईपीओ आता है दोस्तों वो है एजीएस ट्रांजेक्ट आईपीओ। जी हां दोस्तों आईपीओ की आज की रेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 रुपए की चल रही है और अगर हम बात करें एक लोट के अंदर 85 शेयर्स हैं तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आपस में तो आपके पास एक लोट के ऊपर जो प्रॉफिट निकल के आता है वो काफी कम, यानी कि 340 रुपए का ही निकल के आ रहा है, 340 रुपीज काफी ज्यादा कम है।
इसका जो प्राइस रखा गया है कट ऑफ प्राइस वो 175 रुपये रखा गया है और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस इसका 179 आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है 175 में अगर आप जीएमपी को ऐड कर दोगे तो आपके पास प्राइस निकल के आ जाएगा। लिस्टिंग एक्सपेक्टेशंस 2.29% दिखा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन दोस्तों खास बात मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो सीएमएस इन्फो सिस्टम जो आई पे था उसी जो लास्ट रिकॉर्डेड जीएमपी देखी गई थी वो भी 4 रुपये की ही देखी गई थी और ये दोनों भाई भाई हैं, मतलब बेसिकली दोनों ही एक ही वर्किंग मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो आप 2.29% की दिखा रहा है, मतलब कि अभी भी सीएमएस इन्फो से इसका अच्छा है। लेकिन सीएमएस ने काफी अच्छी लिस्टिंग दी थी, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक मुनाफा इन्वेस्टर्स को हुआ था जिसने फर्स्ट डे होल्ड करके रखा था। तो सेम ही मुझे लग रहा है एजीएस के साथ भी रहने वाला है, अगर हम यहाँ पर बरकरार रहते हैं अपनी पोजीशन बना के जिसने अप्लाई कर दिया है तो हो सकता है वो भी अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से ले सकते हैं। बट दोस्तों कोई गारंटी नहीं होती, मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता। 1 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होने वाली, आप देख सकते हो एजीएस ट्रांजेक्ट आईपीओ की, और 1 फरवरी को ही हमारा बजट आने वाला है। तो पता नहीं कहां पर क्या हो सकता है, बिल्कुल डिपेंड करता है कि हमारा बजट कैसे रहने वाला है, मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। अब नेक्स्ट जो आईपीओ आता है दोस्तों वो आता है हमारा अडानी विनमार आईपीओ। बहुत ही ज्यादा वेट किया जा रहा था इस आईपीओ का दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वेटिंग लिस्ट के अंदर था ये आईपीओ और अब फाइनली हमारे पास इसके रिलेटेड जो डिटेल्स आ चुकी हैं। हालांकि डिटेल्स वाली वीडियो मैंने शेयर कर दी है, उस काफी भाइयों को दिक्कत ये आ रही है कि यार शेयर होल्डर को तो हम बन चुके हैं लेकिन शेयर होल्डर कोटा से हम अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक लाइव वीडियो, मतलब कि लाइव डेमो के साथ कि आप अपस्टॉक से, ग्रो से, जीरोदा से, ऑनलाइन SBI से कैसे अप्लाई कर सकते हो शेयर होल्डर कैटेगरी के थ्रू, वो मैंने वीडियो में बता दिया है। दोस्तों मेरी माने तो जो व्यक्ति अप्लाई करना चाहते हैं बेस्ट वे होता है ऑनलाइन बैंकिंग। अगर आपके पास जीरोदा नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू यहां पर जो है अप्लाई कीजिए, वो वीडियो देखिए। यार मेरा ये मानना है सबसे पहले तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में कोई डाउट आए तो वहीं पे कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पर लाइव आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उस वीडियो को आप समझ नहीं आ रहा तो दो बार देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन मिला है कि शेयर होल्डर कैटेगरी से लाइव कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसी शेयर होल्डर कैटेगरी वाले के अंदर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरी जो प्रीवियस जीएमपी अपडेट के ऊपर वीडियो थी वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगी, उसको चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप इसके अंदर किस तरीके से रिटेल कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी चेकआउट कीजिए। आज की डेट में जो जीएमपी है दोस्तों वो फॉल हो चुकी है, आप देख सकते हो ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर मैंने जो लास्ट आपको अपडेट की थी सबसे लेटेस्ट जो थी वो 130 रुपये की थी, अब 130 रुपये से काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई, ये 160 रुपीज़ आ चुकी है। अब दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉल क्यों हो रहा है? सबसे मेन बात तो ये कि दोस्तों सबसे पहली बात तो मार्केट डाउन जा रहा है। अब दोस्तों मार्केट अगर डाउन जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है ग्रे मार्केट पे भी फर्क पड़ने वाला है। दूसरा मेन कारण यहाँ पर ये कि दोस्तों शेयर होल्डर जो कैटेगरी है उसके अंदर जो है फंडिंग की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो लोगों को जो है शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अच्छी खासी टाइम सब्सक्राइब करना है, तो इसलिए वो क्या करेंगे जो उनके पास जो पैसा है वो उसको ग्रे मार्केट में ट्रेड न करके वो शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे। इसीलिए जो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर ट्रेडिंग कम देखने को मिल रही है, और ट्रेडिंग अगर कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है भाव भी यहाँ पर कम ही देखने को मिलेगा। अब 60 रुपीज़ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको अभी भी एक लोट के ऊपर ऑलमोस्ट 4,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और आईपीओ का जो प्राइस है वो 230 रुपए रखा गया है, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास एस्टीमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 290 रुपए का निकल के आता है। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 26.09% पे लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। अगर मार्केट अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग जो है वो 8 फरवरी को होगी, अगर हमारे पास बजट अच्छा रहता है सब कुछ कूल डाउन हो जाएगा 8 फरवरी तक, और फिर हमारे को एक अच्छा खासा जंप भी देखने को मिल सकता है इस आईपीओ में। मोस्ट अवेटेड आईपीओ दोस्तों, अच्छा खासा बेनिफिट देने वाला है। जैसे ही लाइव होती है इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि बेहतरीन वीडियोज आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, आपको एक छोटा सा प्यारा सा लाइक मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।